हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मारुति सुजुकी कंपनी के तरफ से बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो इस रिक्रूटमेंट या पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते, कौन कौन लोग जो कि एलिजिबल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, मैं सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो भी देखें, उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, पहले क्या करना होगा, पहले आपको इस पेज में आना होगा। तो इस पेज में आने के लिए मैं इसका जो ऑफिशियली जो लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस लिंक के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर जॉब सर्चिंग करना होगा। आप कैटेगरी वाइज सर्च करना अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कि जो कैटेगरी वाइज जो जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे डिवाइडेड कर चुका है, ये कर दिया है। इसके साथ साथ जो जो डिपार्टमेंट जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, आप लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट है, कौन कौन डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक बार बोल देता हूँ। फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है बिजनेस डेवलपमेंट, आप इस डिपार्टमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते। उसके बाद है लीगल, एंड देन उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड एडिट ऑडिटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइटिंग एडिटिंग, स्ट्रेटजी प्लानिंग, जनरल बिजनेस। उसके बाद है यहाँ पे मार्केटिंग, ट्रेनिंग, सेल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, आर्ट एंड क्रिएटिव। उसके बाद है यहाँ पे इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद है यहाँ पे प्रोडक्शन। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे जो डिपार्टमेंट यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया है, डिपार्टमेंट के अंदर जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप कंफर्टेबल, आप उस डिपार्टमेंट के जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, यहाँ पर जो जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसके से उसमें से एक को मैं डिटेल्स में बात कर लेता हूँ। आप सेम तरीके से यहाँ पे जो कि अप्लाई कर सकते कोई भी डिपार्टमेंट के कोई भी पोस्ट हो। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप ऑल इंडिया बेसिक जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के ऑल इंडिया बेसिक जो कि स्टोर है, आप स्टोर या डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट बहुत सारे शहरों में जो कि है इंडिया में, तो आप कोई भी सिटी के रहते हो, आप ऑल इंडिया बेसिक जो जॉब ढूंढ रहे आप पा सकते इस कंपनी के थ्रू। तो दोस्तों, और एक बात, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं देना दे आपको नहीं लगेगा, कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा आपको, यहाँ पे सिर्फ आपके इंटरव्यू के थ्रू आपको जो कि यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं फर्स्ट जो पोस्ट निकला हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद इसका जो डिटेल्स है मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, इसके साथ साथ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जॉब टाइप जो है फुल टाइम जॉब है, लोकेशन जो है मानेश्वर, एक्सपीरियंस जो है 5 to 12 ईयर के आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और पोस्ट जो हुआ है 3 नवंबर 2018 में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे 5 to 12 ईयर्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ M/CS एंड इक्विपमेंट स्टेट ऑफ एट पार आर्ट मशीन शॉप कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस M/CS लाइक फेसिंग एंड सेंटरिंग, मिलियनिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, डीप ड्रिलिंग, बोरिंग, सेविंग M/CS, सेवर हॉपिंग M/CS, रोल फार्मिंग M/CS, ब्रॉचिंग, हाइड्रोलिंग, प्रेसिंग, ग्राइंडिंग M/CS, चैम्पिंग, मेसिंग सेंटर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्शन, गियर चेकर, लीक टेस्टिंग M/CS, प्रेस फिटिंग M/CS एक्सेट्रा। ही शुड बी फिक्स
थ्रॉल्ड एंड अबव एम स्लैश सी एस ही शुड बी एबल द अबव एबल टू द मैनेज शिफ्ट स्पेयर पार्ट्स प्लानिंग बजट प्रिपरेशन कंट्रोल प्रिवेंट मेंटेनेंस प्लानिंग एग्जीक्यूशन बी स्लैश डी एनालाइज एंड कंट्रोल मेजर कैरी आउट मेंटेनेंस बेसिक्स लाइक एम टी बी एफ एम डबल टी आर ई टी सी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपके पास चाहिए गुड नॉलेज ऑफ पी एल सी स्पेशली मेटाबॉलिज प्लेस विद अबव प्रोग्रामिंग शुड बी एबल टू रीड वेल एंड मॉडिफाई प्रोग्राम। तो ये है जॉब के जो कि जॉब के जो जो डिटेल्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ हायरिंग नॉर्म्स जो लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर 60% मार्क्स इन 10 एंड 12 पास। तो जो लोग 10 एंड 12 में 60% मार्क्स है आप अप्लाई कर सकते। तो नोट जो दिया है काइंडली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आपको फॉर्म जो है आपको कम्प्लीटली फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे आपका नाम आपका ईमेल एड्रेस आपका फ़ोन नंबर करेंट लोकेशन एंड आपका जो रिज्यूम है आपको यहाँ पे वो सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री एंड टर्म कंडीशन एंड पीवीसी पॉलिसी जो है आपको यहाँ पे टिक देना होगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा आपका ये एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट है आप कोई भी डिपार्टमेंट के लिए आप सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करके आपको जो कि एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं आप कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना आप सेम प्रोसीजर फॉलो करके कर सकते। तो इस तरह से आप जो कि मारुति सुजुकी कंपनी के लिए बहुत सारे जो पोस्ट निकला हुआ है रिसेंटली आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। और इसके कुछ ही दिन एप्लीकेशन के कुछ ही दिन बाद अगर आपका रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट या सिलेक्टेड होता है फॉर दिस कंपनी तो उन लोग आप लोगों को आपको जो कि यहाँ पे फ़ोन करके आपको बता देंगे कि आपका जो सिलेक्ट रिज्यूम है सिलेक्टेड हो गया है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू आपका जो ये जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये फॉर्म को फिलअप करना हो। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।